नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारियों ने किया रोष प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए श्रम कानूनों का कर रहे हैं विरोध। लघु सचिवालय में धरना देकर जताया रोष। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए श्रम कानूनों के विरोध व 18 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप जड़े। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने पर कल होने वाले केंद्रीय समिति की बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज पूरे देश भर के तमाम प्रदेशों के अंदर जिला स्तर पर धरने आयोजित किए जा रहे हैं। ये आज हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यमों से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने का काम करेंगे, जिसके अंदर जो COVID-19 की आड़ के अंदर केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किसान कर्मचारी मजदूर और कर्मचारियों के श्रम कानून बनाए गए हैं उन्हें वापस लेने का काम किया। जैसे कि ट्रेड यूनियन के अधिकार को छीनना, कोई भी कर्मचारी मजदूर या अन्य वो ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, उसको निरस्त करवाने के लिए पूरे देश के अंदर भारतीय मजदूर संघ और उससे संबंधित संगठनों में तमाम कर्मचारी व मजदूरों ने एक आवाज़ बुलंद करते हुए देश के अंदर आंदोलन करने का काम किया। हमें कल दिल्ली के अंदर हमारे भारतीय मजदूर संघ और समन्वय संगठनों की केंद्रीय कमेटी की बैठक होगी, जिसके अंदर आगामी आंदोलन की आर पार की लड़ाई का भी आह्वान किया जाएगा। समय रहते इन जो ट्रेड यूनियन श्रम कानूनों को लागू किया है उनको रद्द तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, अन्यथा आगामी आंदोलन और जो इससे बढ़कर आंदोलन होगा, चाहे उसके अंदर जेल भरो आंदोलन हो चाहे पूरे देश के अंदर चक्का जाम का हो,